नमस्ते साथियों, मैं एसएस महादेवी बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। आप लोग का सभी का एजीडी से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस चैनल का सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। साथियों, मैं इस वीडियो के अंदर जुलाई 2024 ऑनलाइन जीडीएस एंगेजमेंट का संबंध में, अभी थर्ड मेरिट लिस्ट आने वाला है, अभी सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। हो सकता है अगले हफ्ते के बाद तो उनको सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी का होगा। ये अभी तीसरी मेरिट लिस्ट का बहुत लोगों इंतजार कर रहा है, जम्मू कश्मीर का और हरियाणा स्टेट का। इलेक्शन कल शाम वोटिंग कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद तो हो सकता इलेक्शन फॉर्मालिटीज कंप्लीट होने के बाद तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर का भी इस बार थर्ड लिस्ट में मेरिट लिस्ट आने का उनके लिए पहले, परंतु थर्ड लिस्ट है बोला जाएगा, ये आने का उम्मीद। देश का भी थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा, पिछली बार 21,000 के ऊपर सेकंड मेरिट लिस्ट में आया था, इस बार भी 10-12,000 के ऊपर है आने का उम्मीद है, क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर का भी पहली लिस्ट है आएगा। यदि और यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट का अगली महाराष्ट्र इत्यादि का यदि लिस्ट आने के पहले यदि कोड ऑफ कंडक्ट लग गए हो तो ये बोल नहीं सकता। महाराष्ट्र और झारखंड के लिए यदि थर्ड लिस्ट आएगा, नहीं हो तो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लग गए हो तो इसको रुकेगा, ये कार दो लिस्ट में आखिर फाइनल लिस्ट में उनको दोबारा मिल सकता। ये साथियों अभी बहुत जगह से फोन आ रहा है, खासकर नॉर्थ ईस्ट में बहुत लोगों सिलेक्शन हुआ था, उनको स्थानीय भाषा सर्टिफिकेट के संबंध में चल रहा है। हाल ही में कुछ उत्तर प्रदेश इत्यादि में जाली सर्टिफिकेट के संबंध में भी कुछ पेपर वगैरह में आया, आप लोग भी देखा है, कुछ यही इन्वॉल्वमेंट से कुछ लोगों का अरेस्ट किया करके ये भी आया, ये जाली जाल का संबंध में, नियुक्ति का संबंध में। साथियों अभी थर्ड मेरिट लिस्ट अभी कोई संदर्भ में आएगा, यदि आप लोग का डॉक्यूमेंट सही है, आप लोग तैयारी बना के रखो। पिछली कटअप से थोड़ा कम हल्के में कुछ नीचे आएगा, अभी मणिपुर का है दोबारा अदर में, क्या का मणिपुर का कब आएगा यही एक अटकला है, अगली लिस्ट आने के बाद पता लगेगा। अभी थर्ड मेरिट लिस्ट कोई संदर्भ आने का उम्मीद है, भरा नहीं हो तो अगली साल में दोबारा 2025 का अंदर दोबारा अलग साइकिल तो आएगा जीडीएस का, क्योंकि दूसरी तरफ से जीडीएस से भी बहुत लोग जब पोस्टमैन एमटीएस में और पीएमए रिक्रूटमेंट होके जाएगा, उन पदों का भी भरा जाएगा, और जीडीएस से रिक्त हुआ, प्रमोशन हुआ, रिटायरमेंट हो गया, उन पदों का भी अगली साइकिल में नियुक्ति आएगा। अभी थर्ड मेरिट लिस्ट कोई संदर्भ के अंदर अगले हफ्ते में आने का उम्मीद है, ये मैं यही बोलने के लिए वीडियो बनाया था अलग हमारा विशेष में। दूसरी वीडियो में हम लोग दोबारा मिलने कोशिश करेगा। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।